सिर्फ करीमा का हमारा दुरूद और सलाम सुनते ही नहीं, जो दुरूद करीमा का की बारगाह में बंदा पढ़ता है मेरे मुस्तफा उसका नाम भी जानते हैं। इससे अगली बात अकीदे वाली मैं कर दूं, मेरे मुस्तफा जो करीम आका की बारगाह में जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, मेरे मुस्तफा करीम आका की बारगाह में जो बंदा दुरूद और सलाम का तोहफा पेश करता है मेरे मुस्तफा उसका नाम भी जानते हैं और उसके बाप का नाम भी मेरे मुस्तफा जानते हैं। और अगली बात सुने करीम आका के गुलामों, जोशे खिताबत नहीं जोशे नकाबत रही, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, मेरे मुस्तफा पढ़ने वाले का नाम भी जानते हैं, पढ़ने वाले के बाप का नाम भी जानते हैं, और जिस सवारी पर बैठकर अगर वो दुरूद और सलाम पढ़ रहा होता है मेरे मुस्तफा उस सवारी को भी पहचानते हैं। इसलिए वो अब्बत से बा आवाज बुलंद पड़ी है, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अव्वलीन वल आखिरीन। हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुभन में रहकर खारों में फूल जिंदा है, जश्न मीलाद मनाकर बताते हैं जमाने भर को ओए हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। आवाज़ें बुलंद बोलिए सुभान अल्लाह। जो दोस्त अहबाब बाहर खड़े हैं तमाम दोस्तों से गुजारिश है बराए करम पिंडाल के अंदर तशरीफ लेकर आए। अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो सिलसिला था उसी को आगे लेकर चलना है। मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की नात का जो सिलसिला है उसको आगे लेके चलने से पहले एक बात आप दोस्तों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलाम तवज्जो मेरी तरफ रखना। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक काफिर आया, आकर कहने लगा अल्लाह के हुजूर मैं तब आपको रसूल मानूंगा, अल्लाह मोहम्मद मैं तब आपको अल्लाह का रसूल मानूंगा, आप ये बताएं कि मेरे हाथ में क्या है। उसने हाथ में कुछ कंकर पत्थर उठाए हुए थे। मेरे आका ने फरमाया सुन मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है या जो तेरे हाथ में वो खुद बोल के कहे कि हम क्या होने, मैं बताऊं या वो बताए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अगर ये बता दे तो फिर तो क्या ही बात है। मेरे आका ने फरमाया बताओ कौन हो। अल्लाह की कसम मुफस्सिरीन शारहीन हदीस ने लिखा वो पत्थर थे मेरे मुस्तफा के हाथ में, वो पत्थर भी बोल बोल कर मेरे मुस्तफा की रिसालत की गवाही देना शुरू हो जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम बचपन में करीम आका अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया देखा आकर हजरत सैयदा हलीमा सादिया जो मेरे मुस्तफा की रजाई माँ थी वो परेशान थी। मेरे आका ने फरमाया अम्मी जान खैर हो, आज परेशान किस लिए है। हजरत हलीमा सादिया करीम आका की खिदमत में अर्ज करती है मोहम्मद बेटा इस बकरी का दूध आप पीते हो ना, आज वो बकरी जंगल का शेर आया वो उठा कर लेकर चला गया। मेरे आका ने फरमाया अम्मी जान परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अभी जाता हूँ शेर से बकरी का बच्चा और बकरी वापस लेकर आता हूँ। मेरे मुस्तफा का बचपन है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक अभी छोटी है थोड़ी है, वगरना अभी कायनात नहीं बनी थी तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम रब ने तकलीफ फरमा दी। अच्छा हमारे यहाँ यहाँ पे से कोई कहे कि शेर ले गया बकरी और हम क्या कहेंगे लेके आते हैं, नहीं बस गया खत्म हो गया नुकसान हो गया ले गया खा पी गया। मेरे आकर अम्मी जान परेशान नहीं होना, मैं अभी जाता हूँ लेके आता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा जंगल में गए, जाकर कहो जंगल के शेरों खुदा की कसम सारे के सारे जंगल के शेर सर झुकाए हुए मेरे मुस्तफा की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया तुम्हें किसने ये इख्तियार दिया है कि तुम उस बकरी को चुरा के ले जाओ जिस बकरी का दूध मैं मोहम्मद पिया करता हूँ। उनमें से एक शेर
उसने मुंह में वो बकरी उठाई हुई करीब आका अलैहिस्सलाम के कंधों में आकर जो है वो पेश कर दी। मेरे आका ने फरमाया क्यों लेकर गया था? शेर को अल्लाह ने जुबान अता की, मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने समझने का वो ताकत और वो इख्तियार अता किया। शेर कहते अल्लाह के रसूल हम कौन होते हैं उस बकरी को लेकर जाने वाले, जिस बकरी का दूध आप पीते हैं फिर लेके क्यों आए? शेर की आंखों में आंसू आए, अर्ज करता अल्लाह के रसूल इसलिए उठा के लाए थे, काफी दिन गुजर गए थे, आपके इस मुबारक चेहरे की जियारत नहीं हुई थी, हम बकरी ले आए थे कि मोहम्मद बकरी लेने आएंगे, इसी बहाने मोहम्मद के चेहरे की जियारत भी कर लिया करेंगे। सुनो करी माता के गुलामो, चिरंद भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले, तुम सिर्फ रसूलुल्लाह की उम्मत भी मोहब्बत नहीं करती, चिरंद भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले, परिंद भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले, शजर हजर भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले, दरख्त भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले, जानवर भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले। तो यार बाकी गल्ला छोड़ो, मैंने देखा अचानक से ना मुझे दुरूद और सलाम की आवाज आने लगी, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल ये दुरूद और सलाम की आवाज कहां से आ रही है? मेरे आका ने फरमाया अली वो पत्थर में मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ रहा है। ये मेरे मुस्तफा से हर बंदा मोहब्बत करता है, मेरे मुस्तफा से जानवर मोहब्बत करते हैं, मेरे मुस्तफा से चिरिंद परिंद मोहब्बत करते हैं। यार बाकी तो बाकी बातें, अल्लाह की कसम जो मेरे मुस्तफा ने एक हज किया उस हज के मौका पर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 63 ऊंट ज़बह फरमाए थे। उलमा फरमाते हैं जब मेरे मुस्तफा ऊंट को ज़बह करने लगे थे, नहर करने लगे थे, नहर किया जाता है उनको, नहर करने लगे थे, उस वक्त सारे के सारे ऊंट आगे आगे बढ़कर आते थे, पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ, पहले मुझे मुस्तफा नहर करें, पहले मुझे मेरे मुस्तफा नहर करें। वो या ऊंटों को भी पता है कि जो मुस्तफा के हाथों से नहर होता है हकीकी जिंदगी से तो उसकी शुरू हो जाया करती है। इसलिए मोहब्बत से बैठे, प्यार से बैठे, ये चिश्तियों का डेरा है, तारक साहब चिश्ती हैं तो ये चिश्तियों का डेरा है और ये चिश्तियों के फैजान याफ्ता है, क्योंकि और चिश्तियों का जो सिलसिला है ना हेड ऑफिस है जो वो मौला अली शेर खुदा से जाकर मिलता है, आपके गोलड़े के सुल्तान पीर मेहर अली शाह वो भी चिश्तियों के गुलाम है, आपके हजरत पीर सियाल लजपाल वो भी चिश्तियों के गुलाम है, हजरत बाबा फरीद वो भी चिश्तियों के गुलाम है। ये सिलसिला चलते 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 हजरत ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने एक नजर उठा के 90 लाख लोगों को मुस्तफा का कलमा पढ़ा दिया था। आज तो लोग कहते हैं ना वो जेल अकेडमी में एक बंद कमरे में बैठा हुआ वो जाहिल कहता है बापे तो शाही कोई नहीं, मैं तुझे और तो मैं कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता हूँ चिश्तियों के एक बाबे की जे फातेह कादिया मेहरे अली शाह की बात बतलाता हूँ। आप जिस वक्त मुकाबले के लिए गए थे लाहौर में मिर्जा कादियान को शिकस्त देने के लिए, आप जब लाहौर पहुंचे उसने बड़ी बातें की, बड़ी आए पाए शायद बहुत कुछ वो करता रहा, बड़ी बातें उसने की। मेरे अली शाह ने कहा भाई गल छोड़, बाकी सारिया गल छोड़, म्याणी ना कब्रस्तान बहुत मशहूर है लाहौर में, आपने से अगर कोई बंदा गया आप देखो गल छोड़ म्याणी ना कब्रस्तान है, म्याणी ने कब्रिस्तान है, छोड़ बाकी गल्ला, आ ए म्याणी ने कब्रिस्तान है चलने आ, जिस कबर ते तू आखे ना उस कबर ते मेरे अली शाह लत मार से मुर्दा उठ के खड़ा हो जा सी गया जनाब। बाद में हजरत मेरे अली शाह साहब से पूछा गया हजरत ये आपने क्या बात कर दी मुर्दा जिंदा करने का, आपने फरमाया मैं तुहानू पता नहीं जेड़ा बंदा रसूलुल्लाह दी इज्जत ना मुंह सास्ते निकलना उस दी कंडी पीछे रसूलुल्लाह ना हाथ आना, सारी जहान एक पास है फिर मेरे अली शाह ना कोई मुकाबला नहीं कर सकना, वो हमारे चिश्तियों के बहुत बड़ी हस्ती है, हम उनकी जूती के साथ लगने वाली खाक भी हमें मिले तो हम अपनी आंखों का सुरमा बना लें। सिलसिला नाथ जो शुरू था उसी को आगे लेकर चलते हैं। मैं गुजारिश पेश करूंगा मुकर्रम मकाम काजी नदीम अशरफ साहब आप तशरीफ लाते हैं बारगाह खैरुल अनाम के अंदर अपनी हाजिरी पेश फरमाते हैं। नारे तकबीर नारे रिसालत मोहब्बत नाल बोलो यार नारे रिसालत
तबीयत मेरी बहुत सख्त खराब है, बस खुदा के साजिद भाई को पता है बहुत सख्त खराब है, लेकिन जिथे चिश्तियां धोखा पावे उथे फिर असा इनकार भी ना कर सकते। आज मैं नौबत में था कि मैं माजरत करूं, मैं कहा नहीं माजरत नहीं करनी, चिश्ती पे चिश्ती चिश्तियां ना हया कर सस्ते, ये मेरा अपना घर है और मैं अपना घर समझ के आता हूं, इसलिए मोहब्बत से बोले मैनू अगर आपकी खराब तबीयत का एहसास को नहीं तो तुहानू क्यों है, तुसां ते जनाब ठीक ठाक हो, अल्लाह तुहानू भी सेहत अता करे जेड़े बीमार हैं। मोहब्बत नाल बोलो नारे रिसालत, बाबा से बोला नारे रिसालत, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, जिक्र रसूल पाक फुलाया न जाएगा, वो खुद ही जान लेंगे, जताया न जाएगा, तवज्जो मेरी जानब, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, जिक्र रसूल पाक फुलाया न जाएगा, वो खुद ही जान लेंगे, जताया न जाएगा, अरे हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, और हमको जजा मिलेगी मोहम्मद के इश्क की, के दोजख के आस पास भी लाया न जाएगा, और माने का हश्र में खुदा उनकी बात नजीर, बिन मुस्तफा के खुदा को मनाया न जाएगा, बिन मुस्तफा के खुदा को मनाया न जाएगा। आज लोग अपने अमाल पे बड़ा भरोसा करते हैं, हमने इतनी नमाजें पढ़ ली, हमने इतने रोजे रख लिए, हमने इतने चिल्ले लगा लिए, हमने इतनी दफा लोटे उठाकर गली गली में घूमे। मैंने कहा खुदा के बंदो, तुम्हें अमाल पे भरोसा होगा, हमें अमाल पे नहीं है, हमें आमना के लाल पे भरोसा, हमें अमाल पे नहीं, आमना के लाल पे भरोसा है। काजी नदीम अशरफ साहब आप तशरीफ लाते हैं और आपकी हाजिरी पे शर्माते हैं, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत।